तो गाइस मेरे ना मोबाइल में कुछ इस टाइप की थीम लगी हुई है। जैसे ही ना आप थीम को जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साइन इन यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे, अगर आप जो है थीम लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो है कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो थीम है जिसे मैं ना अप्लाई कर रहा हूँ, पर मुझे तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। और इसका मतलब अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नहीं पता है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पर रियलमी अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद जो है आप थीम सेट कर पाएंगे। तो रियलमी अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आपका पहले से तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो सिंपल, मैं आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगा, सिंपल आपको तरीका बताऊँगा। सबसे पहले ना आपके पास जीमेल आईडी होगी, आपको क्या करना है, साइन इन विद गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है आप, वरना आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। वैसे ये मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है, इसमें बहुत सारे झमेले हैं। तो सिंपल आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है, साइन इन इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे वो आपको सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी अपना एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद टर्न ऑन पे क्लिक कर देना फिंगरप्रिंट। चलिए मैं फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर देता हूँ। और गाइस जैसे हम ये करेंगे तो हमारी जो आईडी है वो साइन इन हो जाएगी। अभी ना मैं इससे थोड़ा बैक करता हूँ, सबसे पहले ना हम सेटिंग में जाके दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे निक नेम और यहाँ पे मेरी आईडी आ चुकी है, जो कि यहाँ पे ये जो आईडी है अब हो चुकी है लॉगिन, जो भी मेरा रियलमी अकाउंट था। तो चलिए ना अब मैं ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, चीज़ क्या है, वही हम ना थीम सेट करेंगे। चलिए चलते हैं सेटिंग में ही हम जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे वॉलपेपर, और इसके बाद थीम पे, और थीम पे उसके बाद यहाँ पे हम इस थीम को सेलेक्ट कर रहे थे, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अब ये अप्लाई हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुकी, और मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी आपको दिखा पा रहा हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से जो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।